الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم दोस्तों इस वक्त खास अनुमान के तहत आप हजरात को यहाँ पर बुलाया है और आप हजरात जैसे कि असातिज़ा की तरफ से मिली हुई दावत पर यहाँ पर फिक्र के साथ पहुँच गए। ये दीनी बेदारी और तालीमी दौर की अलामत है। अल्लाह ताला का बड़ा ही फ़ज़्ल और एहसान है कि उसने जैसे अभी मौलाना ने जो आयतें तिलावत की उसका तर्जमा भी बताया उन्होंने कि नबियों ने औलाद मांगी अल्लाह से और उन औलाद में सलाह मांगी कि वो नेक हों और जिनके यहाँ नेक नहीं थी औलाद या रिश्तेदार जो थे करीब में तो उनके बारे में अंबिया अलैहिस्सलाम बड़े फ़िक्रमंद रहे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, अखिल तक उसके लिए दुआ करते रहे, मेहनत भी करते रहे, दुआ भी मांगते रहे, यहाँ तक कि वो हलाकत अल्लाह के अजाब में दाखिल हो गया, फिर भी दुआ कर रहे हैं उसकी निजात के वास्ते। ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास उनके बाद दीगर रिश्तेदार थे उनके और रिश्तेदारों में, लेकिन उनको उन पर इत्मीनान नहीं था कि मेरे बाद ये नबूवत और रिसालत की ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से संभाल सकें। वो इस बारे में बहुत बेचैन थे, फ़िक्रमंद थे और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे बाद जो लोग हैं उनके बारे में मुझे इत्मीनान नहीं। वही निफ़्तुल मवाली में भरवाई पका नतीम रात आखिर बहबली मिलन का वली गया कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनके बारे में मुझे खतरा है कि ये अहल नहीं है और मेरी बीवी बांझ हैं, उससे उम्मीद नहीं है कि बच्चा पैदा करेगी। वही निफ़्तुल मवाली में भरवाई बका नतीम रात आखिर बहबली मिलन का वली गया कि तू अपने ख़जाने में से मुझको दे मेरा वली। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब व जअल्हु रब्बी रदिया कि जो मेरा भी वारिस बने। और नबी की वरासत जो है वो दीन है, इल्म है, वो दीना बिरहम छोड़कर नहीं जाते। दुनिया के बादशाहों के वहाँ वो वारिस मांगते थे कि उनके वहाँ बेटा पैदा हो, वो बादशाहत के वास्ते वारिस तलाश करते थे। दोस्तों के वहाँ बेटा नहीं हुआ तो बेटी के लिए कोई बादशाह का बेटा वो दामाद बना के लाते थे ताकि मेरे बाद मेरी हुकूमत को संभालो। अंबिया के यहाँ फिक्र ये होती थी कि हमारे बाद हमारी औलाद जो है वो दीनी वरासत को संभाले जो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, और यही एक मोमिन की फिक्र होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले अपने बच्चों को जमा किया और मशहूर आयत कलाम पाक की माँ ताबुदून मिन बादी, उनसे पूछा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने बाद अपनी औलाद के बारे में इसी बात में फ़िक्रमंद होते थे कि वो नेक हों, सालेह हों, यही वालिदैन के ज़िम्मे है। अपने बाद कारोबार पर पड़ जावे, धंधे पर पड़ जावे, उनकी दुनिया आबाद हो जाए, वो तो उनकी मुकद्दर का जितना इब्तदा देना ही वाला। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर जुमला हो जब उनके साले मसलमा ने उनसे आकर कहा उनके वफात से चंद दिन पहले कि आप दुनिया से जा रहे हैं और आपके पास तो कुछ ज़्यादा माल दौलत तो है नहीं, आपके तरके में कुछ ज़्यादा है नहीं आपके बच्चों के लिए, अगर आप कहो तो मैं तुमको कुछ माल दूँ ताकि वो आपके बच्चों में तकसीम हो जाए। वो बच्चों के मामू लगते थे। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि पक्की बात करते हो दोगे। कहाँ दूँगा मैं,
जो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, क्योंकि उनकी हुकूमतों में बहुत जुल्म हुआ था, जिन लोगों से जुल्मन वो माल वसूल किया है उन लोगों को दे दो, मेरी औलाद को ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी औलाद नेक है, ये जुमला कहा, अगर मेरी औलाद नेक है तो बहु व यतवल्ल सालिहीन, कि अल्लाह ताला नेक लोगों का वाली है, नेकों का वाली अल्लाह है, और अगर वो बद हैं तो फिर मुझे उनकी परवाह नहीं। और ऐसा ही हुआ कि उनके बाद चूँकि उनकी औलाद को उन्होंने दीन सिखाया था, हुकूमत की कुर्सी पर बैठे, अदल की हुकूमत कायम हुई, लेकिन वो इस हुकूमत के साथ अपने बच्चों से, अपने औलाद से गाफिल नहीं थे, बेहतरीन तरबियत करके गए अपने औलाद, काफ़ी औलाद थी उनको, बेहतरीन तरबियत, उनको दीन सिखाया, इलम सिखाया, और उनकी तरबियत भी किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, अल्लाह के साथ, रसूल के साथ, जिसको तरबियत कहते हैं, बेहतरीन तरबियत। और ये तरबियत की जिम्मेदारी असल वालिदैन पर है, जैसे परवरिश की जवाबदारी वालिदैन पर है, उनका खाना पीना कपड़ा मकान, बालिग हो जाए तो निकाह, और उसको माशाल्लाह अभी इस ज़माने में लोग अच्छी तरह निभाते हैं। पहले तो गुर्बत थी तो उस लाइन में बहुत गफलत रहती थी, बच्चों के कपड़े नए नए बाप नहीं दे पाता था, खाना दो वक्त अलग अलग सालन नहीं दे पाता था बाप एक सालन में, और उसमें भी बच्चों के इम्तियाजी खाना अलग होता था, बड़ों का थोड़ा अलग बना देते थे, अच्छा बना लेते थे, बच्चों के लिए थोड़ा पानी डाल देते थे, चाय में भी थोड़ा पानी डाल देते। लेकिन अभी तो माँ बाप अपनों से अच्छा बच्चों को खिलाते, इसमें तो बहुत अल्लाह का फजल है, जो बच्चों को खिलाने पिलाने में और उनके कपड़े और ज़रूरियात में माँ बाप पहले के मुकाबले में इस वक्त बहुत ज़्यादा बेदार है। लेकिन तरबियत ही बाप जो है, बच्चों की तरबियत जो असलन जिम्मेदारी वालिदैन की, कलाम पाक की जो आयत है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आँख से बचाओ, हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, वाजिब है, अपने आप को भी और अपने घर वालों को, यानी बीवी बच्चों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने शायद की तफ़सीर में फरमाते हैं, यानी जहन्नम से बचाओ का क्या मतलब है, अभी कोई जहन्नम सामने गिर रहे हैं तो हम जाके उनको पकड़ लाएंगे नहीं, दुनिया में अगर वो ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे, दीनदार बनकर गुजारेंगे तो जहन्नम से बचेंगे। तो उनको दीन सिखाओ, पढ़ाओ नहीं, दीन पढ़ाओ नहीं, दीन सिखाओ, उनकी अमली ज़िंदगी दीनी बने उसके लिए उनका इंतज़ाम घर में करें वालिदैन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी का रिवाज था, वालिदैन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, सिखाते थे, अदब सिखाते थे, अखलाक सिखाते थे, सारा माँ बाप करते थे। फिर ज़माना गुजरता गया, लोगों का इस्लाम में ज़्यादा दाखिल होना हुआ है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्तकिल तौर पर बच्चों को पढ़ाने, बड़ों को पढ़ाने के लिए तो हुज़ूर ने भी भेजे लोगों को, जैसे मुसअब इब्ने उमर को भेजा था मदीना, ऐसे किसी जगह 70 कारी भेजे थे जो बड़े लोगों की तालीम और तरबियत करते थे। लेकिन छोटे बच्चों के पढ़ाने के वास्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये सिलसिला शुरू हुआ मकातिब का, तो इसलिए ये सिलसिला भी जो है उधर से ही चला है, जो हमारे ज़माने में चल रहा है, तब मदरसे होते हैं वो और उस्ताद पढ़ाते हैं। तो ये एक दीनी सिलसिला है जो बड़ा मुबारक सिलसिला है। ये मदरसे के पढ़ाने वाले असातिज़ा जो है वो वालिदैन का बोझ हल्का करते हैं, असल ज़िम्मेदारी जो हमारी थी उनको तजवीद पढ़ाने की, कुरान पढ़ाने की, हिफ्ज़ करते हैं तो हिफ्ज़ करवाने की, और उनको अदब सिखाने की, उनको कुरान हदीस तफसीर फ़िक़्ह का इलम देने की, जो असल ज़िम्मेदारी जिस दर्जे की थी वो माँ बाप के ज़िम्मे थी, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक शक्ल आसान कर दी कि अपने शहर में और दीगर इलाक़ों में मकातिब का एक बेहतरीन निज़ाम है। ये हमारे सूबे पर अल्लाह का खुसूसी करम है, सूबे गुजरात पर, और हमारे सूबे के लोग जहाँ जहाँ दुनिया में बसते हैं सब जगह कि बचपन से ही बच्चों को कुरान की अच्छी तालीम मिलती, तजवीद के साथ, क़िराअत के साथ, हिफ्ज़ का निज़ाम होता है और दीगर चीज़ें, तो वो दुनिया भर में जहाँ भी हमारे
सूबे गुजरात के लोग बसे हैं अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में जो हमारे यहाँ के लोग जाकर बसे हैं, वो वहाँ मकातिब का निज़ाम करते हैं पूरे मुल्क में, और फिर वहाँ से लेकर साउथ अमेरिका तक चिली तक, वहाँ तक वो वहाँ से अपने उलमा भेजते हैं, और मकातिब का तमाम अकवाम में कोई एक ख़ास कौम नहीं, जहाँ जहाँ भी वहाँ उन्होंने निज़ाम किया। ये अल्लाह का खुसूसी करम है हमारे, और हमारे शहर पर भी एक बड़ा अल्लाह का एहसान है। पहले से ही हमारे यहाँ भी जब उलमा ज़्यादा नहीं थे तो हाफिज़ भी नहीं होते तो मुल्ला लोग पढ़ाते थे, इनमें से बहुत से पढ़े होंगे जो हाफिज़ भी नहीं थे, सिर्फ मुल्ला थे उनके पास। तब से सिलसिला चलता एक बेहतर शक्ल तक पहुँचा हुआ है कि अल्लाह का फजल है कि हमारे मकातिब में तजवीद तरतील के साथ नाजरा कलाम पाक और हिफ्ज हो जाता है, घर बैठे बच्चा हाफिज़ हो जाता है। एक ज़माना था कि तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि घर रहकर बच्चा हाफिज़ हो सकता है, उसको किसी दारुल में भेजना पड़ता था और वो मुश्किल काम होता था वालिदैन के लिए कि बच्चे को दूर भेजे। अब अल्लाह ताला ने सारी नियामतें हमको दी हैं, इस पर सबसे पहले तो हम सबको खुश शुक्रगुजार बनना है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नियामतों से नवाजा है। अपने ज़बान से भी शुक्र करना है, दिल से भी शुक्र करना है, और नंबर दो पर हमें इन लोगों का शुक्रगुजार होना है जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो हमारा बोझ हल्का करते हैं, जो हमारा काम था वो कर रहे हैं। तो इसलिए उनके साथ मोहब्बत करना, उनसे ताल्लुक़ रखना और उनसे उनके बारे में अच्छा गुमान रखना और उनको अपना मोहसिन समझना, पढ़ाने वालों कि ये हमारे मोहसिन हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि वो फारिग रहकर हमारा काम कर रहे हैं, और तालीमी लाइन में उनके मददगार बनने की चंद सूरतें हैं कि हम उनके कैसे मददगार बन सकते हैं। असल तो वो हमारे मददगार हैं, हमारा काम वो कर रहे हैं, जब उन्होंने हमारा काम ज़िम्मे ले लिया है तो हमारे ज़िम्मे हम उनकी मदद करें। और मदद में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ तो पाबंदी के साथ बच्चों को वक्त पर मदरसा भेजें जो उनका वक्त है, पहली चीज़ हाज़िरी सबसे बुनियादी चीज़ है। गैर हाज़िरी जहाँ होती है वहाँ बच्चा कमज़ोर रहता है, वो बच्चा कमज़ोर रहेगा। पहला काम वालिदैन के ज़िम्मे है कि बच्चे की पूरी निगरानी करे, वक्त पर वो मदरसे पहुँचा है नहीं पहुँचा, पहला काम ये। छोटी मोटी बीमारी सीमारी भी ऐसी नहीं होती जिसमें रोक लिया जाए बच्चे को। बच्चों को हल्का सा पेट में दर्द की शिकायत करता है, सर में दर्द हो, अब मदन बच्चे को होना नहीं चाहिए सर में दर्द, क्योंकि सर में दर्द के कोई असबाब उसके पास है नहीं, बड़ों को होता है वो, लेकिन मुमकिन है हो जाए। तो छोटी मोटी बीमारी सीमारी में भी उसको लेकर हाजिर हो जाए, उस्ताद को बता दे आज इसके पेट में दर्द है तो आप थोड़ा सा देख लें, रोके नहीं। बुज़ुर्गों से सुना है कि एक दिन की गैर हाज़िरी में 40 दिन की बरकत चली जाती है। पहले हम मददगार बनेंगे इसको। तो गैर हाज़िरी में एक वजह तो है कि बच्चे ने छोटा मोटा उज़र किया, बीमार हूँ, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये है वो है, और दूसरा इज्तिमाई उज़र आते हैं पूरे घर की तरफ से कि किसी की मंगनी है, किसी की शादी है, किसी का जनाजा हो गया है। तो वालिदैन को सबसे पहले फिक्र हो कि बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। मंगनी शादी जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, जनाजा वो उसका अब्बा भी अगर शरीक नहीं होगा तो वो चल जाएगा, गुनहगार नहीं होगा, अल्लाह का फजल कि अपने यहाँ बहुत से लोग शरीक हो गए। तो किसी के जनाजे के वास्ते बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है, और अगर वो हिफ्ज की तालिब इल्म है या मौलवी में उसमें आलिमियत में है तो और ज़्यादा नुकसान उसका है। तो इसलिए ऐसे आज़ार में हम कोशिश ये करें हमारे बच्चे की साल भर में एक भी गैर हाज़िरी ना, पूरा साल बच्चों को समझा रहे, पाबंदी करवा, यहाँ असाज़ा ऊपर मेहनत करते हैं उनको समझाते हैं इस लाइन से, उनको तरगीब देते हैं, लेकिन थोड़ी सी वालिदैन की कमज़ोरी पर वो बच्चे फिर एक मरतबा आपने छुट्टी करवाई तो छुट्टी करने के आदी हो जाए। किसी का जनाजा होगा मोहल्ले में और क्या भाई चला नहीं जाए ऊपर, उसका बड़ा नुकसान है, या किसी की मंगनी है, किसी की शादी है, बल्कि घर में करीबी रिश्तेदारों की भी शादी हो तब भी उनको पढ़ाई के वक्त पहुँचा दें, उसके बाद ले आओ। कभी इनका ये तालीम का ज़माना है, आप हजरात ने सुना होगा देखा होगा कि जो असरी दरसगाहों में
जो बच्चों के सामने, जिन माँ बाप के सामने अपने बच्चों को कुछ बनाने का टारगेट, अपने शहर के भी कुछ वाली ऐसे हैं कि बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाना या इस बच्चे को कोई बड़ा इंजीनियर बनाना, तो बच्चे की तालीम के वास्ते उन्होंने पूरा शहर छोड़ दिया है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बड़ौड़ा में रहते, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए अभी बोरसद चले गए थे। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे की तालीम के लिए, कोई वहाँ कॉलेज है वहाँ, तो इसकी तालीम के खातिर दोनों बड़ौड़ा रहते थे, बड़ौड़ा से हिजरत करके बोरसद रहने चले गए कि हमारे बच्चे की स्कूल वहाँ है और हम वहाँ रहेंगे उसके साथ। हमारे यहाँ की बाजा फैमिली यहाँ से बड़ौड़ा रह रही है सिर्फ इस वजह से कि बच्चा वहाँ पढ़ता है या वहाँ से करीब कोई कॉलेज में पढ़ रहा है। उनके सामने हदफ है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या जो कुछ भी आदमी तालीम लाइन से बना रहा है, वो बन जाने के बाद वो कामयाब हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। और वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या दीगर जो भी तालीम लाइन में वो जा रहा है, वो हासिल कर लेने के बाद वो माँ बाप का फरमाबरदार बन के रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि अगर हमने बच्चे को कुरान की, हदीस की और दीन की सही तालीम दी है, तो ये 100% कामयाबी के रास्ते पर जा रहा है। और इंशाल्लाह ये पढ़ने के बाद वालिदैन का फरमाबरदार बनेगा, इसमें 100% गारंटी दे सकते हैं। तो इसलिए एक सबसे पहला तआवुन ये है कि बच्चों की हाज़िरी में हम मदद करें कि बच्चे गैर हाज़िरी न करें। और उसके जो आवारिस मैंने बताए, नानी के घर चले गए, खाला के घर चले गए, उसमें अब्बा जो है बाप नज़र रखें। माएँ नरम होती हैं। नानी का घर मिसल गोंदरा में दूर है, वहाँ से यहाँ लाने का था, कोई था नहीं, हो भेजा नहीं यहाँ, तो उस वक्त हम फिक्र करें, हम खुद जाकर ले आएँ, किसी को भेज दें कि बच्चा गैर हाज़िरी न। एक बात तो ये नियत करते हैं, इंशाल्लाह पाबंदी करवाएंगे। साल भर में आपको इस पर इनाम मिलना चाहिए कि आपके बेटे की 360 में से 360 हाज़िरी हैं सिवाय जुमा या जो छुट्टी मदरसे की तरफ से थी, उस पर आपको इनाम मिले। ये वाली फिक्र बने, ये वाली एक्टिव होंगे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के मामले में, फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, आप उनको वक्तन फ़ौक्तन पूछते रहें कि बेटा आप क्या पढ़ते हो, आज उस्ताद ने क्या पढ़ाया, ज़रा सबक हमको भी सुना दो। घर में लेकर बैठे होंगे, उनको लेकर बैठने से आपको भी फ़ायदा। तजवीद के साथ वो अच्छा पढ़ते हैं तो आपको भी नफ़ा होगा इससे, कि उनके पढ़ने से आपको भी तसी हो जाएगी। दुआएं याद करवाते हैं मकतब में, सुन्नतें याद करवाते हैं, दीगर और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों की वक्तन फ़ौक्तन उनके असातिज़ा उनको, बल्कि रोज़ाना पंद्रह मिनट तरबियत के सारी दरसगाहों में, तो उनकी तालीम के साथ रोज़ाना 15 मिनट उनको उस तरबियत की लाइन की बातें और जो ज़रूरी दुआएँ सुन्नतें वगैरह उनको याद करवाना होता है, तो रोज़ाना का सबक आप घर बैठे उनके ज़रिए से ले सकते हैं। अच्छा, घर में आपकी औरतें होगी, उनकी बहनें होगी, बच्चों की आपकी बीवी होगी, उनकी माँ है या दीगर औरतें हैं, उस बहाने उनके ज़रिए से उनको वो इलम मिल जाएगा आसानी के साथ। तो दूसरा काम ये करना है कि उन बच्चों को वक्तन फ़ौक्तन आप लेकर बैठ, बेटा क्या पढ़ते हो, मोहब्बत के साथ। तालीम और तरबियत जो है वो मोहब्बत से ही होती है, पूरी शफ़त के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ बच्चों को लेकर बैठें और उनको इस लाइन से पूछते रहें और उनका सुने खुद। कुछ कमी कोताही है तो कोई तरबियती चीज़ है तो आप खुद घर में, असल आपका ही हमें तरबियत करने को, उनकी तरबियत करने को। आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो रब्ता करें, आपको कोई कमी नज़र आ रही है उसकी तालीम वगैरह आप रब्ता करें। हम मगर अपने उनको होता क्या है, अमूमन वाली जो है वो मदरसे में साल भर में कभी जाते नहीं, नहीं स्कूल में जाते हैं, जिस दिन जाते हैं उस दिन आस्तीन चढ़ा के जाते हैं, चाहे वो 6-7 साल में एक ही मरतबा गया हो या साल भर में एक ही मरतबा गया हो, तो आस्तीन चढ़ी हुई होती है, कोई ऐसा कज़िया लेकर जाते हैं, ऐसा ना हो, बल्कि आपस में मुआविन बने दूसरों को। कोई कमी है तो आप ला कि भाई इसकी क्या वजह है, क्यों आगे नहीं जो आपको बताएंगे कि भाई ये वजह है, कमज़ोरी है। बाज़ मरतबा आदमी अपने बच्चों के बारे में बहुत खुशफहमी में होता है, अपनी औलाद के बारे में बहुत खुशफहमी में, मारो छोड़ो तो, लेकिन वो खुशफहमी हमारी गालिब होती है। उमूमन वो औलाद की मोहब्बत का एक तकाज़ा है कि हद से ज़्यादा खुशफहमी रहती है, लेकिन हकीकत में वो होता नहीं ऐसा।
या घर में बच्चे की एक्टिविटी कुछ और होती है, वहाँ जाकर कुछ और होती है। वो तो खुद हम सब भी तो उसी से गुजर कर आए हैं, हम सब भी तो गुजरे हैं, मकतब में गए, आए स्कूलों में गए, कितने दिन पूरी हाजिरी, कितने दिन दो पीरियड छोड़े, कितने दिन आखिरी पीरियड में आ जाते थे, कितने दिन रिसेस में निकल जाते थे, कुरेशी साहब तलाश करने निकलते थे सबको, तो वो सारे बचपना ही, ये तो बचपना ही है कि बचपने में ऐसा सारा होता रहता है। अब बच्चों में ये चीज़ें होती ही हैं और वालदैन को ज़्यादा खुशफहमी होती है, तो बाज़ मरतबा कोई चीज़ ऐसी जमा होकर उनके इसातिज़ा से बदज़नी पैदा होती है, यार छोड़ो आकर जमाना थी आपको वरक दे गई कश्य पर वाली तरह से। तो ये हमारी शिकायत जो है वो खुद हमारे कम इल्मी की वजह से रहती है। अगर रोज़ाना या वक्तन फ़ौक्तन आप घर में उनसे मालूम कर रहे हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा आएगा कितनी क्या कैपेसिटी है, और उनके तालीमी निज़ाम को जो है उनके असातिज़ा के मशवरे पर ही छोड़े रखें, उसी में खैर है, क्योंकि वो बच्चों के साथ रोज़ाना 3-4 घंटे बैठते हैं, उनकी कैपेसिटी को वो जानते हैं। बाज़ मतलब हिप्स में वाली बहुत जल्दी करते हैं क्या वैल्यू पूरा कराओ, अच्छे हमारे भी शादी करावानी है, उसकी मंगनी करने की है, उसका ये करने का है, उसका जलसा करने का है, तो जलसा करने के लिए हिप्स नहीं बना रहे, और शादी हिप्स पर मौकूफ नहीं है, हमें तो उसको अच्छा हाफिज़ बनाना है, अच्छा हाफिज़ बने, पुख्ता हाफिज़ बने, और तजवीद के साथ तरतील के साथ अच्छा कलाम पाक पढ़े, चाहे वो 2 साल के बजाय 3 साल में हिफ्ज़ करे, 3 के बजाय 4 साल में हिफ्ज़ करे, जल्दी ही याद कर लेने की कोई फजीलत नहीं कि भाई जो आदमी 6 महीने में याद करेगा कयामत को अलग कोटे में खड़े किए जाएंगे और जो 2 साल में करेंगे उनको अलग खड़ा किया, हाँ अच्छा याद करने की फजीलत है, कुरान अच्छा याद करें, बेहतरीन कुरान पढ़े, ऐसा कि अल्लाह खुश हो जाए, कुरान सुनकर अल्लाह खुश हो जाए, इसलिए जल्दी ना करें। बाज़ मतलब 28-29 पारे होते हैं लेकिन दौर की ज़रूरत रहती है, जैसे इस साल अभी रमज़ान में जो असाज़ा की मजलिस हुई तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई जब तक बाद रमज़ान सारे बच्चे अपना पूरा दौर न सुना दें, जिनके 10 पारे हो तो 10 पारे, 15 हो तो 15 और पक्के तरतील के साथ और इत्मीनान बख्श होकर उनको आगे इजाज़त न हो वहाँ तक आगे किसी का सबक शुरू ही न किया जाए, वो दौर ही एक बहुत बड़ा काम है, वो दौर ही एक बहुत बड़ा काम है, तो इसलिए उसमें हम जो असातिज़ा उनके हैं और मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मेरे और आपसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं हमारे बच्चों के बारे में, जो जितना हम दिमाग इसके बारे में नहीं थकाते होंगे उतना वो थकाते हैं, और जितना वक्त मैं और आप उनके लिए फारिग नहीं करते अपने बच्चों के लिए उतना वक्त वो फारिग करते हैं और सोचते हैं, मुख्तलिफ लोगों से राय लेते हैं तो इसको बेहतर से बेहतर बनाने की क्या शक्ल हो, उनकी तालीम भी उनकी तरबियत भी, तो इसलिए हम तो अपनी तरफ से पूरे पूरे मददगार बने और बच्चों को अपने घर में वक्तन फ़ौक्तन लेकर बैठें, और अगर कोई कमी है तो मदरसे में उनके जो ज़िम्मेदारान हैं अभी उनके नाम बताए जाएंगे, नाजरा में कौन है और हिफ्ज में कौन है और आलिमियत में कौन है, तो उनसे रब्ता करें, फिर वो अगर ज़रूरत होगी तो उस्ताद से रब्ता करवा देंगे, बराह रास्त कोई वाली जो है कोई उस्ताद से रब्ता ना करें, हाँ वैसे आप उनसे दुआ सलाम करें, खैर खैरियत पूछें, वो तो अखलाकी फरीज़ा है हमारा, लेकिन बच्चे से मुतालिक कोई बात है, कोई मसला है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए इंतज़ाम वालों ने उसके ज़िम्मेदारान तय किए हैं कि उन लोगों से रब्ता करें, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो असातिज़ा से उस मामले में बात कर लेंगे, आपसे मुलाकात की ज़रूरत होगी तो कर लेंगे, ताकि निज़ाम के तहत काम हो और सही काम तो करेंगे इसकी फ़िक्र इंशाअल्लाह। और आपके बच्चों से मुतालिक तरबियती जो पहलू हैं उसमें एक तो मदरसे के 5-6 घंटे यहाँ पर, बाकी ज़्यादा वक्त बच्चे घर में गुजारते हैं, और ये कोई इदारा नहीं है यहाँ पर कि जहाँ उसका कैंपस हो कि वहाँ उनके सोने खाने का इंतजाम हो, खाना सोना घर पर है सबका, तो जो यहाँ उन्होंने सीखा है अमली तौर पर खाने के आदाब, सोने के आदाब, खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, लिबास की सुन्नतें, वो यहाँ उनको पढ़ाई जाएगी और किसी दर्जे में अमली तौर पर भी यहाँ उनसे करवाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा हिस्सा इसमें वालिदैन का घर में रहेगा कि जो इन्होंने यहाँ पढ़ा है उस पर वहाँ तरबियती बाप में मददगार इस तरह बने कि उनसे घर में अमल करवा, खाने से पहले चलो बेटा दस्तरखान बिछाओ, खाना लगाने के बाद हाथ धो, ये सुन्नतें आपने पढ़ाओगे मदरसे में, फिर उन्हीं से मैं आगे की सुन्नतें कौन सी ज़रा बता दूँ,
तो वो खुद ही कहेगा बिस्मिल्लाह बोलना सुन्नत है, अपने आगे से खाना सुन्नत है और अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना सुन्नत है। वो सारी चीज़ें सुन्नतों का मुजाकरा हो जाएगा, सोते वक्त सोने की सुन्नतों का मुजाकरा हो जाएगा। अमली तौर पर उनको बच्चों के बिस्तर अलग अलग रखें, अपने उर्फ में आम मतलब यह है कि बच्चों को सारे एक साथ सुला देते हैं, और हदीसों में आता है कि उनके जब ज़रा समझदार से हो जाए तो उनका बिस्तर 7-8 साल की उम्र से उनके बिस्तर अलग कर, और फिर उनको याद दहानी करें बेटा वजू कर लो, सुन्नत के मुताबिक सजदे फातिहे पढ़ लो, दुआ पढ़ लो, दहानी करवट आराम करो। तो ये तरबियती बाप जो है वो आपके ज़िम्मे है घर पर, क्योंकि सोएंगे घर को, या उनको खाने सोने की सुन्नतें सिखाएंगे, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो आपके ज़िम्मे है कि आप उनको इस लाइन से फिक्रमंद करें घर में और अमल करवाएं। उनके बहाने इंशाल्लाह घर में इसकी फिजा बन जाएगी, घर में इसका माहौल बन जाएगा कि अमली तौर पर सुन्नत वाली ज़िंदगी घर में काबू में आ जाएगी, करेंगे इंशाल्लाह इसकी फिक्र। अब एक जो बुनियादी चीज़ है कि ये जो तालीम है बच्चों की, बच्चों की तालीम हमारे ज़माने में जो निज़ाम है मकातिब का, उसमें अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इनके असातिज़ा को कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इन पर मेहनत करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने एक निज़ाम राइज किया कि जो पढ़ाने वाले हैं उनको मुनासिब ऐसी तनख्वाह दी जावे कि ताकि वो यकसू रहे। उन पर जो खर्च है असातिज़ा पर, तो वो खर्च असलन हमारे ज़िम्मे, हम लोगों के ज़िम्मे। लेकिन एक दौर था पूरा कि उस दौर में तालीमी लाइन से गफलत थी, तो हमारे असलाफ में पीछे हमारे बुज़ुर्गों ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, खबरों में जा चुके हैं और उनको बेहतरीन जज़ा दे पूरी उम्मत की तरफ से, कि उन्होंने किसी भी तरह इस निज़ाम को टूटा फूटा चलाया, छोड़ा नहीं। एक दौर था खिलाफत का दौर, फिर इस्लामी हुकूमतों का दौर के हुकूमत निज़ाम चलाती थी तालीम और तरबियत का, लेकिन जब खिलाफत ख़त्म हुई और इस्लामी हुकूमतें ख़त्म हो गई तो फिर आवाम के हाथ लगा। अब जहाँ इस तरह के बेदार लोग थे तो उन्होंने ये निज़ाम चलाया, और जहाँ नहीं था तो वहाँ चौपट है अभी भी, जो कोई तालीम और तरबियत का निज़ाम बाकायदा नहीं है। अपने यहाँ एक ज़माना वो गुजरा कि चुटकी आटे का निज़ाम था कि हर घर से थोड़ा थोड़ा आटा चंदे में दिया जाता था। फिर आपको याद हो कि पान के गल्लों पर डब्बे रखे हुए होते थे मदरसे के, पान के गल्ले पर डब्बा होता था, कोई चार आना कोई आठ आना डालता था, ये फला मदरसे का फला, तो वहाँ से वो जाता था। और एक ज़माना वो भी था कि जुमा के दिन घरों में डब्बा फिरता था, तो औरतें रुपया चार आना आठ आना देते थे, और इस तरह किसी तरह इस निज़ाम को चलाया धीरे धीरे धीरे। कि वो ज़माना वो था गुर्बत ज़्यादा थी, लोगों में 5 रुपये 2 रुपये फ़ी देने की इस्तेदाद नहीं थी, 2 रुपये फीस में भी 30-35% बच्चे फीस नहीं लाते थे अपने यहाँ गोदरा में, 2 रुपये की फीस। फिर वो 5 रुपये हुई, 7 रुपये हुई, 10 रुपये हुई, 15 हुई, 20 हुई, 25 हुई, और अभी कहीं 50-60 ऐसे आम मतन हैं मदरसों में, कहीं 100 रुपये भी हैं। तो वो एक गुर्बत का दौर था लोगों के पास, घर में 2 वक्त सालन नहीं बनता था, रात के बचे हुए चावल लोग सुबह की चाय में पीते थे, वो ज़माना वो था। और एक वक्त का सालन 2 वक्त करते थे, या सुबह सालन में खाया तो रात में तिल का तेल डाल देते थे उसमें चावल पर और खा लेते, या अचार के साथ चावल खाते थे। वो ज़माना था जिसमें 2 रुपये 5 रुपये की फीस लोग अदा करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे, जिनकी वो भी इस्तेदाद नहीं होती थी तो फिर माफ़ी होती थी उनकी, मदरसे में कोई साहिब खैर उनकी तरफ से जमा कर देता था, और जो भी निज़ाम मदरसे वालों ने बनाया उस तरह से होता था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा एहसान है कि फरावानी का दौर। उस वक्त सबको याद है कि खुद हमको इस्तेमाल के लिए पैसों में रकम मिलती थी, 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे, और वो भी कभी कभार नहीं होते थे तो बाकी रह जाते थे कि कल इकट्ठे ले लेना, वालिदा एक एक काले ले लेना, ऐसा भी वो था, ऐसी गुर्बत थी। लेकिन अभी अल्लाह का फ़ज़ल है कि फरावानी, खुद उन बच्चों पर हम खुद सोचें कि उनकी ज़रूरियात पर हम कितना खर्चा करते हैं, उनके कपड़ों पर, जूतों पर, खाने पर, अच्छा खाने से ज़ाहिर फल फ्रूट और दीगर बहुत सारी चीज़ें, रात के नाश्तों की लारियों से इधर से उधर से पता नहीं क्या क्या उनको खिलाते हैं, और एक एक बच्चे के पीछे 1000 रुपये लगा देते हैं, और मज़ीद उससे ऊपर एक एक बच्चे को रोज़ाना 25 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 100-100 रुपये रोज़ाना एक एक बच्चा अपना जेब खर्चा जिसको कहते हैं उसमें इस्तेमाल करता है।
एक दौर वो गुर्बत का था तो उसमें सूरत हाल थी, अब फरावानी है। तो कम अज़ कम हमारी कोशिश ये रहे कि हमारे बच्चे हमारे पैसों से पढ़े। हमारे बच्चों के लिए अगर कोई ईमानदार आदमी ज़कात के पैसों से कपड़े दे तो हम लेंगे? भाई हमें मुस्तहिक नहीं, विदे पर ना दो। हमारे बच्चे के लिए कोई मोहल्ले में से रोज़ाना खाना देगा, छोरन पौड़ा जी, तो हम पसंद करेंगे? ठीक है भाई, कभी कभार कोई मोहल्ले में से हदिया दे गया खाने पीने कुछ, लेकिन रोज़ाना का छोरन पौड़ा जी तो रात को बच्चे तो अपना घर आपका आवे तो ले लूँ अपना। अरे भाई लेंगे भाई, और किसी गरीब को? अच्छा जवाब दे देंगे, और कोई मुस्तहिक को पहुँचा, हमारे अल्लाह का फजल। तो तालीम के लिए क्या हम या हमारी तरफ से कोई वकील बनकर हमारे बच्चों के लिए पैसे लेना किसी के पास जाए, भाई हमारा मदरसा चलता है उसमें आप चंदा दो, तो ये हमारे लिए गैरत की चीज़ है, हमारे लिए गैरत की चीज़ है कि हम उनकी तालीम पर भी जितना हम उन पर लगाते हैं खाने पीने पर, कपड़ों पर, जूतों पर, दीगर ज़रूरियात पर, तो हमारे ज़िम्मे है कि हम अपने बच्चों की तालीम पर भी हम खुद लगा दें और उनका पूरा निज़ाम हम खुद करें। अब ऐसा तो नहीं कि एक बच्चे के पीछे पूरा एक उस्ताद है, पूरे उस्ताद की तनख्वाह देनी, ऐसा तो है नहीं, उसकी भी आसान शक्ल है। अभी ज़िम्मेदारान ने और असाज़ा ने मिलकर एक निज़ाम यहाँ जो उनका फर्श वगैरह का जो हिसाब जोड़ा यहाँ का, तो उसमें इन्होंने जो तरतीब जोड़ी है कि यहाँ का जो कुल अभी इस साल का जो यहाँ का निज़ाम है उसमें यहाँ का कुल बच्चों की तादाद हैं 354 टोटल, आलिमियत में है, हिफ्ज़ में है और नजरा में 354 की तादाद है टोटल, और यहाँ कुल मुदर्रिसीन इस वक्त है 13,6,19 और 4,23, ये 23 का स्टाफ है यहाँ पर, उसमें 13 मुदर्रिसीन जो हैं उनकी तनख्वाह जाती है, बकिया जो मुदर्रिसीन हैं वो बग़ैर तनख्वाह के हमारे बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं लिल्ला, वो अपनी जान माल खपा रहे हैं लिल्ला अल्लाह की रज़ा के खातिर, और ये जो मुदर्रिसीन हैं 13 तकरीबन जो तनख्वाह के साथ, तो उसमें ये 354 बच्चों पर तकरीबन महीने के 1,35,500 के करीब एक महीने का खर्च आता है, उस हिसाब से एक बच्चे के पीछे 382 रुपये और 76 पैसे एक बच्चे के पीछे खर्च, 382 रुपये और 76 पैसे कुछ ज़्यादा है, बोलो ना भाई एक दिन के कितने हुए, एक महीने के 382 हैं तो रोज़ाना के कितने हुए, तकरीबन 12 साढ़े बारह पौना 13 रुपये जैसे हो रहे हैं एक दिन के। तो जिनको अल्लाह ने इस्तेदाद दी है, बहुत से इस मजमे में वो हैं जिनकी इस्तेदाद इससे भी ज़्यादा की है कि वो उनके बच्चे की सिर्फ स्कूल रिक्शा में 500 रुपये देते महीने, स्कूल रिक्शा के 500 रुपये देते हैं और स्कूल की फीस अलग, या मदरसे में वादे रक्षे से जाते हैं बच्चे तो उनके 300-400 रुपये रक्षे में लग जाते हैं, और जो असल चीज़ है तालीम उनकी, तो उस तालीम के लिए हमारे बच्चों के लिए किसी और से लिया जावे हमारे लिए हमारी गैरत के ख़िलाफ़। इसलिए जिनको अल्लाह ने इस्तेदाद दिए हैं वो तो ये, बल्कि इससे ज़ायद ये नियत करें कि अगर मदरसे में कोई 5-25 बच्चे गरीब हैं जो इतनी फ़ीस नहीं दे सकते और वो अपनी मामूल की फ़ीस जो आम जगह जो है 50 मामूल की फ़ीस तो यहाँ भी 85, यहाँ पहले से जो निज़ाम है उसको 50 रुपये फ़ीस है, लेकिन गुज़िश्ता साल भी माशाल्लाह कुछ वालियों को तरजीह दी थी तो वो 250 रुपये अदा कर रहे थे गुज़िश्ता साल, और कुछ 300 भी दे रहे हैं, कुछ 400 भी दे रहे हैं, तो उससे अच्छा खासा तआवुन होकर कम हाजत रहती है बाहर से चंदा करने की या दूसरे लोगों को मुतवज्जो करने की। लेकिन अगर ये निज़ाम काबू में आ जाता है जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे अपनी रकम से अपने पैसों से दीनी इलम हासिल करें, और जितना हमारा अपना जान, यही असल मिजाज नबूवत है, यही असल मिजाज नबूवत है। और अल्लाह ताला ने भी दीन सीखने सिखाने के बारे में और दीन के फ़रोग़ के लिए जितनी सारी शक्लें बताई उसमें पहले नंबर की तरतीब तो यही दी सबको कि अपनी जान और अपना माल लगा, अपनी जान अपना माल। तो जैसे हम अपने बच्चों को थकाते इस पर, तो कोशिश ये करें कि इंशाल्लाह हम इनके ये 382 हो रहे हैं, 390 रुपये या 400 रुपये हम अपने महीने के इंशाल्लाह अपने बच्चों की तरफ से अदा करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे?
हाँ, जिसकी अगर इसकी गुंजाइश नहीं, वाजह होते हैं कि ज़ाहिर तो उनका अच्छा दिखता है लेकिन वो ज़कात के मुस्तहिक, उनकी इतनी गुंजाइश नहीं है, उनके लिए 50 रुपये दे, वो 50 भी ना दे पावे तो उस्ताद से बात कर लें उनको कि भाई हमारी ये भी उस्ताद है, क्योंकि ये तो दीन का इलम है, पानी की तरह हवा की तरह चलना चाहिए, कोई भी महरूम ना रहे इससे। लेकिन जिसकी गुंजाइश है, जो बच्चे को महीने में 1000 रुपये खर्च के दे सकता है, जो 500 रुपये उसमें दे सकता है, जो 400 रुपये स्कूल की फ़ीस में दे सकता है, जो अपने बच्चों को हर महीने खिलौने दिलवा सकता है 400-500 रुपये 1000 रुपये के, तो उनकी इस्तेदाद ज़रूर है कि अपने बच्चों के लिए जो फीस उनके ऊपर जो लागत, कम से कम जो लागत उनके पीछे लग रही है, उतनी लागत हम खुद अदा करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे पैसों से पढ़ें। जैसे हम ये पसंद नहीं करते कि रोज़ाना हमारे बच्चे को कोई और खिलावे, बल्कि बाज़े गैरतमंद जो बाप होते हैं वो तो रोज़ाना नानी के घर जाओ भी पसंद नहीं करते, रोज़ाना क्यों जाता है भाई यहाँ खाने का, गैरत हो उनको, मेरा बच्चा है मेरे घर में खाएगा, ठीक है कभी कभार जाए खा लेंगे तो हरज नहीं, तो गैरत है ये आदमी को, होनी भी चाहिए ऐसी गैरत। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इंशाल्लाह हम भी अपने बच्चों की जो उन पर लागत लगती है वो पूरी लागत अदा कर देंगे, लगाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात थी कि अपने बच्चों को जो है आजकल का जो माहौल है उसमें बाहर के बाज़ार के खाने पीने जो हैं उससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। हम लोग इसको समझते हैं कि शौक में खावा दोनों को ये लारियों पर, होटलों पर, बाजार, उसमें दो चीज़, एक तो इसराफ है बहुत ज़्यादा, जो बच्चे पहले 4-5 रुपये के चने भटकों में काम चला लेते थे उनका शौक पूरा हो जाता था, अब वही बच्चे 100 रुपये की तंदूरी और पता नहीं उससे भी शौक पूरा नहीं होता। और आज मोहल्ले की होटल में गए हैं, कल मेड़ की होटल पर जाएंगे, परसों बुलंद बाज़ार की होटल, परसों उधर जाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे, तो हम अपने बच्चों को खुद ही ख़राब कर रहे हैं, उनकी आदत हम ख़राब न करें। घर में लाकर घर में पका के खिलाएं, ब्रॉयलर खिलाते हैं, देसी मुर्गी घर में ला के खिलाएं, उससे कुछ उनको मिलेगा अंदर से, उनको मछली घर में ला कर पका के खिलाएं, अच्छा खिलाने से मना नहीं हमारे लिए, अच्छा खिला अल्लाह ने इस्तेदाद दिया, लेकिन उनको बाजारी खानों का और होटलबाजी का आदि न बना। हमारे असलाफ की जो तालीमात हैं वो मदरसों में भी कोशिश करते थे कि बच्चे होटल वाले न बने, क्योंकि सिर्फ होटल में खाना पीना नहीं उसके पीछे बहुत सारे खुराफात हैं, बदअखलाकी हैं, गाली गलौज हैं, गीबत हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को इससे परहेज़ करवा, अच्छा खिलाना है तो घर में पका के खिला, अपनी बीवियों को भी यही समझा दो अच्छी चीज़ खावें, कोई हरज नहीं, अल्लाह ने इस्तेदाद दी है तो अच्छा खावें, कोई हरज की चीज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र करें, खाने से पहले दुआ पढ़ें, खाने के बाद भी दुआएं पढ़ें, अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन होटलबाजी से, बाहर के खानों से, इधर उधर की चीज़ों से अपने बच्चों को बचाओ। दूसरी एक चीज़ जो बच्चों के तरबियत और उनकी तंदुरुस्ती सेहत दोनों पर असर करती है, मोबाइल, उनकी रात देर तक अगर वो बच्चे 12-1 बजे तक मोबाइल देखते रहे, अब सुबह उनको 5 बजे हिफ्ज़ानों को बयां पढ़ने आना है, उनकी तबीयत चलेगी पढ़ने में, तो उनकी तालीम पर असर पड़ेगा। दूसरा, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है और बच्चों की नींद का कोटा बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होता है, बच्चों का नींद का कोटा बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा है, जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है नींद का कोटा कुदरती तौर पर कम होता है। नया पैदा हुआ बच्चा जो है ना, जो पैदा हुआ है वो 23.5 घंटे सोता है, कोई देखने आता है तो उसको जगा दे तो सोया हुआ है, जब भी देखो जब भूख लगती है तो रोता है, फिर जैसा दूध पी लिया सो जाएगा, फिर थोड़ा 2-3 महीने का होगा तो 23 घंटे होते उसको, फिर 22 घंटे, 21 घंटे, 18 घंटे, और उमूमन जो मक्तब की उम्र है उसमें 8 से 10 घंटे बच्चे न सोवे वहाँ तक वो तंदुरुस्त नहीं रहेंगे इस उम्र में। इसलिए मदारिस में भी जो है बच्चों को रात में जल्दी सुला देते हैं, और फिर दोपहर में उनके ऊपर पाबंदी होती है पढ़ने पर भी, कि दोपहर के खाने के बाद कोई बच्चा अगर पढ़ता हुआ नज़र आएगा तो उसको फौरन पकड़ा जाएगा, क्या सो जाओ जाएगा। तो इसलिए एक बात की भी गुजारिश है, मोबाइल से बचाए बच्चों, उनको दिलावे भी नहीं और बाप या माँ जो है उनका मोबाइल उनको इस्तेमाल करने के लिए न दें, ये तरबियत के बाप में बहुत मुजिर चीज़ है। जितने संजीदा लोग हैं दुनिया भर में, समझदार लोग हैं, बहुत से गैर मुस्लिम हैं, यहूदी, ईसाई हैं, वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते कि उसकी वजह से उनकी तालीम पर, उनकी तरबियत पर और उनके सारे चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए होटलबाजी से भी उनको बचाना है और ये मोबाइल वगैरह से भी उनको बचावें।
ये बुनियादी ज़रूरी चीज़ है। और कोई बात रह जाती और कोई बात? हाँ, और एक बात, बच्चों की सफाई सुथराई और उनके अंदर अभी से अपनी सेहत और पाकी नापाकी और साफ़ सुथरा रहने का अभी से आदत बने, इसके वजह से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने एक तरीक़ा राइज किया कि बच्चे साफ़ सुथरा रहे, सफ़ेद कपड़े पहने। इदारों में भी ये निज़ाम होता है, अपने यहाँ भी बहुत सारे माशाल्लाह मकातिब अच्छा काबू में, तो यहाँ पर भी वही निज़ाम है कि बच्चे सफ़ेद कपड़े पहन कर आते, सफ़ेद कपड़ों में साफ़ सुथरा रहेगा, और अभी से आदमी के कपड़ों का अंदर तक असर रहता है, तो इसलिए इसका भी अहतमाम करें। अक्सर बच्चे तो माशाल्लाह वही कारगुजारी थी अभी सुना रहे थे उस्ताद के, ज़्यादातर बच्चे पहन कर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें कमी हो तो घर जाकर आप मालूम कर लें, उनकी अम्मी से भी पूछें कि बच्चे यूनिफॉर्म सफ़ेद कपड़े जो तय किए हुए हैं वो पहन कर जा रहे हैं नहीं जा रहे, अगर नहीं जा रहे हैं तो उसकी पाबंदी करवाओ, ज़्यादा असाज़ा को कहना ना पड़े, उनको भेजना ना पड़े बदलने के लिए, उसमें मददगार बने कि वो यहाँ के जो तरतीब है उस तरतीब पर बच्चे सफ़ेद कपड़े सफ़ेद टोपी वो पहन कर यहाँ पर आवे, उसकी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब जो बात मैंने आज की थी कि भाई अगर कोई मसला है बच्चे से मुतालिक कोई बात करनी है, तो उनके लिए जो आलिमियत की क्लासें हैं अरबी अव्वल दौम सौम में, तो उसमें मौलाना मुसब साहब उनसे रब्ता कर लें, चाहे अरबी अव्वल वालों का मसला हो, बच्चा दौम में हो सौम में हो किसी भी दरसगाह में है, तो वहाँ रब्ता करें मौलाना मुसब साहब से। और हिफ्ज में अगर किसी को कोई बात कहनी सुननी कोई पूछना पूछना है तो वो रब्ता करें हाफिज़ सुफियान साहब से, हाफिज़ सुफियान चुंगा। और नाजरा में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो रब्ता करेंगे मौलाना सुफियान साहब कंजरिया जो वही होते हैं, तो इनसे रब्ता करें, ज़रूरत हो तो इनका नंबर अपने पास रख लें ताकि अगर कोई बात है बच्चे से मुतालिक कोई चीज़ है। हाँ, किसी किस्म की सिफारिश के लिए फ़ोन न करें कि भाई शादी में जाना है तो छुट्टी दिलवा दो और जनाजा हो गया तो ये करवा दो, सिफारिश के लिए फ़ोन न करें, उनकी तालीम और तरबियत से मुतालिक कोई बात है या बच्चे की तरफ से कोई बात आई, वाज मतलब वो बच्चा कोई शिकायत लेकर आया तो उस्ताद ने मुझे मारा था, ऐसा हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, तो एकदम से गर्म ना हो जाए। बच्चों को हम कुछ जानते हैं, घर में दो लड़ते हैं, छोटे ने पहल की थी लेकिन शिकायत लेकर वही आता कि बड़ा इमन मारे, जब उसकी हम बराबर पिटाई कर डालते तब उसकी माँ कहते कि है ना वह मारे लो, अरे होता नहीं होता ऐसा, मदरसे में भी बाज़ मरतब ऐसा हो जाता और वाली तहकीक नहीं करते, घर में भी ऐसा ही हो जाता है, लड़ाई हो जाती उन बच्चों की वजह से, बाज़ मरतब आदमी बीवी से लड़ पड़ता है तहकीक न करके, तो यही मामला बाज़ मरतबा मदरसों में भी हो जाता है, तो इसलिए अगर कोई बात है बच्चे की तरफ से कोई शिकायत है तो एकदम से बरहम ना हो, नाराज़ ना हो, गुस्सा ना हो, वो हमारे खैरखा हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से वो पढ़ा रहे हैं, तो फिर रब्ता कर लें इनसे, भाई इस तरह से बात आई थी आप ज़रा सा देख लो, तहकीक कर लो, आपको खुद आने की ज़रूरत है तो खुद पहुँच जाए उनके साथ और ज़रा ठंडे लहजे में बात करें, कैसे बात करें। हाँ, ये हमारा तालीमी इदारा है, असाज़ा से भी यही गुजारिश करते हैं कि भाई वो भी वालियों से अच्छे अंदाज में बात करें और ठंडे लहजे से बात करें, उससे मसले का हल निकल रहा है, कोई भी बात है बातचीत उसका हल, कोई भी मसला है बातचीत हल है, और बातचीत जो है वो तरीके से हो तो हल नहीं, वरना मसला बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी अगर कोई ऐसी चीज़ आई, बच्चे ने आकर घर में कोई शिकायत की, उस्ताद की या किसी लड़के की, वो तक बाज़ मतलब दो बच्चों में लड़ाई हो गई, उस्ताद को पता ही नहीं और उसने उसको बाहर मारा, वो बच्चा घर गया शिकायत की, अब इसलिए उस्ताद को तुम्हें शुरू करो तो ध्यान न रखना छोड़ रहा हूँ करो, उनको तो पता ही नहीं है, अब उनको तो अगर नाजरा की क्लास में तो 40 बच्चे उनके सामने, अच्छा वो छुट्टी दे चुके हैं, बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं उनको क्या पता चलेगा, हिफ्स में हैं तो 15 बच्चे उनके पास हैं, तो इसलिए नाराज़ ना हो जल्दी से, बल्कि इन हजरात का जो मैंने नाम जिक्र किए हैं, आलिमियत की क्लासों में मौलाना मुसब साहब और हिफ्स में हाफिज़ सुफियान साहब और इसमें नाजरा में जो है मौलवी सुफियान साहब, तो इनका रब्ता करें और अगर कोई बात है तो उसको तरीके से सलीके से सुलझाने की कोशिश कर लें और बराह रास्त उनसे बात करने के बाद फिर आगे उसके बारे में बात करें। इधर उधर बात करना ये मामले वहमी नहीं है कि आदमी मदरसे का कोई मसला हुआ है उसको बाहर मोहल्ले में बात कर रहा है किसी और को शिकायत, जिनके मसला है उनको तो पता ही नहीं, जिनके साथ मसला है उनको तो पता ही नहीं, और दूसरों से के ज़रिए उनको पता चलता है कि भाई वो बच्चे को क्या हुआ था, उसकी माँ को क्या हुआ, उसके बाप के साथ कुछ हुआ ऐसा, तो ये बेदीनी है सारी जहालत है, तो
इसी वजह से इंतज़ाम वालों ने तय कर लिया कि भाई अगर कोई मसला है, अल्लाह का फजल है कि ऐसे कोई बात पेश नहीं आई, तो सारा विज़े मा तकद्दुम के तौर पर है कि ऐसी कोई बात पेश नहीं आई है, न कोई असाज़ा की कोई शिकायत आई है और न वालियों की तरफ से, न बच्चों की इस वक्त कोई शिकायत है, बल्कि ये तो एक मुज़ाकरे दीगर चीज़ों के, तो उसमें ये भी बात आई थी कि भाई ये भी बात वालियों से हो जाए कि वो इसकी कोशिश करें, करेंगे इंशाअल्लाह। इन चीज़ों को आप खुद भी याद रखें, अपने घर जाकर अपने मसूरात को भी सुनावें। इस नस्बत से ये जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, तो हमको बुलाया था और जिन चीज़ों के बारे में तआवुन की बात की गई है, तो उसमें आपसे ज़्यादा बड़ा रोल आपके घर की औरतों का रहेगा। जैसे पाबंदी करवानी है बच्चों को, यूनिफॉर्म पहनाना है, वक्त पर मदरसा भेजना है, उनके असबाब की निगरानी घर में करनी है, उनकी सेहत तबीयत का ख्याल करना है, उनको वक्त पर आराम करवाना, वक्त पर जगाना है, और उनको शादियों मंगनियों वगैरह से बचाना है। तो इन सारे उमूर का ताल्लुक जो है वो आपके घर की औरतों से, खाली फीस का ताल्लुक आपसे है ज़्यादा, कि फीस अब्बा के पास से लेते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं उसका ताल्लुक औरतों से, इसलिए सारी चीज़ें उनको सुना। और एक आखिरी बुनियादी बात है कि अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे। जैसे मैंने अभी एक दो नबियों के अर्जन, उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, औलाद मांगी वहीं से, नेक औलाद मांगी और उनमें सलाह फलाह को मांगा कि अल्लाह इनको नेक बना दे, क्योंकि यही हमारा ज़खीरा आखिरत है, यही औलाद हमारे लिए ज़खीरा है। हम लोग दुनिया से जाएंगे तो हमारे लिए जो सरमाया है ईसाल सवाब का बड़ा ज़रिया जो है वो हमारी नेक औलाद है। तो ये नेक बनाने के सारे राहें हैं, उनको पढ़ाना, तालीम देना, तरबियत करना, हिफ्ज कराना, आलिम बनाना, लेकिन उसके पीछे माँ बाप की दुआएं काम करती हैं। जितने भी लोग परवान चढ़ें तो उनके पीछे उनकी माँ और बाप की दुआओं के असरात होते हैं, इसलिए उनके लिए रोज़ाना नाम लेकर दुआ करें अपने बच्चों का। पांच बच्चे हैं तो पांचों का नाम ले, अल्लाह हाफिज़ हो रहा है उसको अच्छा पक्का हाफिज़ बना दें, बाअमल आलिम बना दें, उसको दीन का दाई बना दें, अपना सच्चा पक्का बंदा बना दें और हमारे हक़ में फरमाबरदार बना दें, हमारे हक़ में इसको मांगे अल्लाह से। फरमाबरदार बनाना हम मांगते नहीं, मांगते नहीं और चाहते हैं फरमाबरदार बन जाए, अल्लाह से मांगे भी कि अल्लाह हमारी औलाद को फरमाबरदार बना, हमारी आँखों की ठंडक बना दे, दुनिया और आखिरत का हमारे लिए बेहतरीन ज़खीरा बना दे, हमारी ज़िंदगी में हमारी आँखों की ठंडक बना और मौत के बाद हमारे लिए इनको तो जो है सवाब का ज़रिया बना दे कि इनके नेक अमलों का सवाब हमको मिलता है। हदीस में आता है आदमी दुनिया से चला जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसने अगर किसी को इलम पढ़ाया है तो वो, या आदमी का कोई सदक़े जारिया है वो, या आदमी की नेक औलाद है जो उसके लिए दुआ करती है और नेक अमल करती है, तो वो नेक अमल का आदमी को अजर मिलता है। तो एक तरफ हमारी पूरी कोशिश होगी अपने बच्चों को नेक साले बनाने की, हाफिज़ और आलिम बनाने की, और दूसरी तरफ अपने बच्चों के लिए खूब दुआएँ मांगें और पूरी उम्मत के औलादों के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह ताला सबकी औलादों को सही तरीके पर कायम दायम फरमावे और सबको अल्लाह ताला उलूम नाफिया से, आमाल सालिहा से और अखलाक फाज़िला से मालामाल करें, अल्लाह ताला सबको नेक सालेह बना। बाज़ मरतबा आप एक दुआ तो करवा दें कि दुआ करना हाफिज़ हो जावे, दुआ करना आलिम हो जावे। बुज़ुर्गों से सुना कि असल दुआ नेकी और सलाह की करनी चाहिए, उसके साथ ही दुआ करनी कि अल्लाह उनको नेक सालेह बना। अम्बिया की दुआओं में यही सालेह बनावे और सालिहीन के साथ हशर की दुआ है कि अल्लाह सालिहीन के साथ हमारा हशर करे। तो अपने बच्चों के लिए खुद भी दुआ मांगें, अपने घर की औरतों से भी कहें कि इनके लिए दुआ मांगें, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। एक बात यह है कि हमारे जितने तलबा 16 साल से ऊपर के हैं उनके लिए यहाँ मदरसे से जमात जाती है 24 घंटे की, हिफ्ज़ में हो या आलिमियत में हो, तो आप हज़रात भी कोशिश करें उनको भेजने की, वो इख्तियारी चीज़ है, उसमें ये ज़ाब्ता नहीं है, राब्ते की चीज़ है, उसमें बारी नहीं लगाते भाई ये इनको जाना पड़ेगा, ऐसे सबक सुनाना ही पड़ेगा, वो तरगीब की चीज़ है। दावत का जो निज़ाम है पूरा राब्ते का है, इसमें ज़ाब्ता नहीं होता, लेकिन आप लोगों का अंदर से रग़बत हो, शौक़ हो, अभी से बच्चे जो है वो दावत के रास्ते में भी चलें, तो तालीम के साथ साथ वो दाई भी बने,
अपने अमाल की भी उनको फिक्र पैदा रहे और उम्मत के अंदर काम करने का भी से उनके अंदर दायित्व पैदा हो, जज्बा पैदा हो, ताकि आगे जाकर ये जो है अपनी तालीम के साथ साथ वो दावत के काम में भी आगे बढ़े। तो इसके लिए उसकी भी गुजारिश थी कि वाली जो है इसका अहतमाम करें, बच्चों को तरगीब दें, छुट्टी मांगे तो जल्दी से दे देते थे कि बेटा चले जाओ जमात। उनकी जमातें 24 घंटे की यही पूर्व जवाहर में 10 15 20 25 30 लूनावाड़ा बहुत ज़्यादा 40 किलोमीटर अगर दोहर कभी गई हैं तो 70 किलोमीटर जाती हैं और जुमेरात को जाती हैं, जुमा के दिन जुमा के बाद वापस आ जाती हैं। अच्छा, अमूमन उनके साथ असाज़ा जाते हैं या कोई और उलमा में से उनके साथ होते हैं, अच्छा मजबूत निज़ाम बनता है तो इसकी फिक्र करें। और ये फीस वाली जो बात मैंने आज की 384 कितने कहे थे हैं भाई, मैं तो भूल गया, 382 रुपये और 76 पैसे होते हैं एक एक के बीच। वो इस साल का जो अभी की तादाद है उस हिसाब से मुमकिन है, आगे कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस वक्त का ये निज़ाम है और ये इख्तियारी ही है, कोई गरीब आदमी है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती का बोझ नहीं है, वो अपने 50 रुपये ही अदा करते रहे। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि हम खुद ही अपना मुहासबा करें कि हम अपने बच्चों पर दीगर कितना सारा खर्चा करते हैं, जो हमने माथे ले लिया है तो कर लेते हैं, इसको भी ले लेंगे तो अल्लाह ताला वो भी आसान कर देगा और हमारे बच्चे जो हैं हमारी रकम से हमारे पैसों से तालीम पाएंगे। और अगर इनमें से कोई आदमी ये ख्वाहिशमंद है कि भाई मेरे बेटे के तो दूंगा और भी अगर कोई मदरसे में ऐसे बच्चे हों कमज़ोर बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस में हम 200 रुपये 100 रुपये का 500 रुपये का महीने में तआवुन करना चाहते हैं, तो उनके असातिज़ा से मिलकर आप मज़ीद अपने हिस्से की खैर जितनी कमा सकते हैं कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग दीगर दुनियावी शोबों के पीछे लाखों रुपये लगाते हैं, वो ईसा अलैहि सवाब के खातिर बहुत सारे ऐसे मसरफ़ होते हैं जिसमें लगाते हैं। ये तालीम है, इसमें दो अजर, इसमें डबल, एक तो अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, दूसरा तालीम है कुरान पर खर्च होगा, कुरान की इशात पर होगा तो उसका अजर और ज़्यादा होगा। और इस तरह से हम अपना निज़ाम कर लेंगे तो मुदर्रिसीन, जैसे आजकल अक्सर जगहों पर ये निज़ाम राइज नहीं है तो ये सारा लोड मुदर्रिसीन के ज़िम्मे रहता है, तो बेचारे साल भर पढ़ाते हैं और रमज़ान में उनको दर बदर फिरना पड़ता है ये माल जमा करने के, जुमा जुमा उनको जाना पड़ता है यहाँ वहाँ सब जगह, तो ये सारा लोड उनके ज़िम्मे है, तो हमें इसका भी सवाब मिलेगा कि हम इनका बोझ हल्का कर रहे, इनका बोझ हल्का रहेगा इस साइज से। तो इसलिए इसकी कोशिश कर लें, खुद जितनी हमारी इस्तेदाद है अपने कम अज़ कम ये अपने बच्चे का जो है वो हम अपने ज़िम्मे ले लें और उससे ज़ायद हम जितना तआवुन कर सकते हैं तालीम कुरान पर तो उसको करना चाहिए। और यही राइज जो असल तरीक़ा है मुसलमानों में कि मुसलमान अपनी जान माल अपने दीन पर लगाते रहे, हमेशा यही रहा। अब वो दौर जैसा मैंने कहा गुरबत का ज़माना था तो एक हर चीज़ राइज की थी, इस तरह से अब अल्लाह ताला ने हमारे हालात को साजगार कर दिया, ये भी एक शुक्र होगा इन साजगार हालात में कि हमारा मान अल्लाह के दीन पर कुरान की तालीम पर लग रहा हो। कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ठीक, और इस्माइल साहब اللهم لك الحمد كل ولك الشكر ولك الحمد كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما اپنا فضل و کرم شامل حال فرما یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما ہماری کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو علوم نافعہ سے اعمال صالحہ سے مالا مال فرما اخلاق فاضلہ سے ہمیں مالا مال فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے دلوں کا سرور بنا
دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین ذخیرہ بنا. یا اللہ ہمارے اولادیں اور ہمارے بچوں کو عافیت کے ساتھ تو ہی اپنے فضل و کرم سے بہترین تربیت فرما. یا اللہ مربی حقیقی تو ہی ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہماری بھی, ہمارے بچوں کی, ہمارے گھر کی عورتوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما, جیسے تو نے صحابہ کی, ان کے بچوں کی اور ان کے گھر کی عورتوں کی تربیت فرمائی. یا اللہ ایسی تربیت ہماری, ہمارے بچوں کی, ہماری عورتوں کی فرما. اور یا اللہ تو ہماری اس میں مدد فرما. یا اللہ زمانے کے فساد سے ہماری حفاظت فرما, برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما, برے ماحول کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بری صحبتوں سے ہماری, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اچھی صحبتیں ہمیں نصیب فرما, صالحین کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ صالحین کی صحبت نصیب فرما, اچھی صحبتیں نصیب فرما. ہمارے اندر بھی صلاح فلاح پیدا فرما, ہمارے بچوں میں بھی صلاح فلاح پیدا فرما. اپنی معرفت کا نور عطا فرما, تقوی کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما. ہمارے بچوں کو بھی اپنی معرفت عطا فرما, اور یا اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا مادہ پیدا فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما, پورے ماحول سے حفاظت فرما. جو بچے بچیاں حفظ کر رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسان فرما دیں. یا اللہ قرآن یاد کرنا آسان فرما, ہمارے ان کے سینوں میں اللہ سچا پکا محفوظ فرما, اور جیسا تو چاہتا ہے ویسا پڑھنے کی, ایسی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جو علوم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما, قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرما. یا اللہ قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرما, وحی کی برکات سے مالا مال فرما. یا اللہ وحی کی برکات سے مالا مال فرما. اور یا اللہ اس علم کو لے کر پوری دنیا میں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس علم کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما, ہماری اولادوں کو قبول فرما. یا اللہ جتنے مدارس مکاتب اس کے لیے کام کر رہے ہیں مولا, سب کی کفالت فرما. یا اللہ سب کی کفالت فرما, ضروریات کا اپنے فضل و کرم سے غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے, ہر فتین کے فتنے سے, ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے, ہر ماکر کے مکر سے, یا اللہ ہر ساحر کے سحر سے پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما, ہمارے طلباء کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے ادارے ہیں ان کے یا اللہ دوبارہ تعلیمی نظام کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے پر چلنے کی شکل صورتیں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے مدارس مکاتب بند ہوئے ہیں, یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اور یا اللہ دوبارہ تمام مکاتب کی, مدارس کی, دینی مراکز کی, اور یا اللہ جتنے دین کے تھے ٹھکانے یا اللہ تیرے نام پر کام کر رہے تھے, یا اللہ ان کی دوبارہ چلنے پھلنے کی اور یا اللہ آگے بڑھنے کی شکل صورتیں پیدا فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ضروریات کی کفالت فرما, اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما. یا اللہ اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما, جیسے تو نے انبیاء علیہ السلام کی, صحابہ کی براہ راست مدد فرمائی, اور اپنے نیک بندوں کی تو نے ہر زمانے میں براہ راست مدد فرمائی, اور ان کی روزیوں کے بہتر سے بہتر انتظام فرمائے. یا اللہ ہمارے بھی اور یا اللہ دنیا بھر میں دینی خدمتوں میں لگے ہوئے جتنے تیرے بندے بنجی آئے ہیں ان سب کے لیے اپنے خزانے غیب سے روزیوں کا انتظام فرما. سب کو صحت قوت عافیت نصیب فرما. یا اللہ سب کو ہمت نصیب فرما, جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے, خصوصاً جو ہمارے علماء ابھی قریب میں جا چکے ہیں, سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, اور ان کا نعم البدل یا اللہ عطا فرما. یا اللہ ان کا نعم البدل نصیب فرما. یا اللہ ان کا نعم البدل نصیب فرما. یا اللہ ان کا نعم البدل نصیب فرما, اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما, جو بقید حیات ہیں یا اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کے فیوض سے ہمیں مستفید فرما. یا اللہ ان کے فیوض سے ہمیں مستفید فرما, ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, حمایت فرما, حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے دیوار میں رہنے والوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کو اپنی تائید سے معیت فرما, آگے پیچھے دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یا اللہ جن حالات سے امت گزر رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرما, صحت اور عافیت کی عمومی ہوائیں چلا دے, سب کو صحت قوت عافیت ہمت عطا فرما. جب تک زندہ رکھے مولا اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما, دین کی خدمت کرتے کرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, موت کے آخری سانس تک
کہ اللہ دین کی خدمتوں میں ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، استخلاص نصیب فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت آوے کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت عطا فرما۔ یا اللہ تیری ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما۔ آخرت کی منزل آسان فرما۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے، یا اللہ آخرت کی ہولناکیوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس کے ٹھکانا نصیب فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبی کریم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔ آپ حضرات ماشاء اللہ اساتذہ کی دعوت پر وقت پہنچ گئے، جزاکم اللہ خیر۔ آئندہ بھی اگر تعلیمی تربیتی لائن سے اگر اس طرح سے جوڑا جاوے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح فکر کے ساتھ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔